हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। कैसे हैं सब आप लोग? चलिए आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सी चीज़ हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों ने और मेरे बच्चों ने भी, बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था कि सर, ये जो हम लोग ईमेल करते हैं, ईमेल करने के दौरान जो हमारे सामने जो CC और जो BCC आता है, ये क्या चीज़ है, इसका यूज़ क्या है, किस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं। हालांकि बहुत बार ये ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ वगैरह में भी पूछे जाते हैं दोस्तों, कि भाई जब आप ईमेल करेंगे तो ईमेल में जो टू का ऑप्शन होता है, आप देखिएगा, जब आप मेल खोलिएगा तो मेल खोलने के बाद आपको, जब आप क्रिएट मेल होगा, क्रिएट मेल जो प्लस वाला साइन है, आप उस क्रिएट मेल कीजिएगा तो उसमें से आपको कई ऑप्शन निकल करके आएंगे, जो किसको भेजना है टू, फिर उसी का आता है CC BCC, इस तरह का आता है। ये CC और BCC का मतलब क्या है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह का लिखा होता है दोस्तों, CC लिखा होता है, फिर उसके नीचे लिखा होता है BCC। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हम लोग इसको देख सकते हैं और कर भी सकते हैं, क्योंकि जब हम मेल करते हैं तो मेल हम जब बल्क में करते हैं, बल्क में हम लोग मेल करते हैं, लोगों को करते हैं, दोस्तों को करते हैं, तो वो टू से तो हमारा काम ऐसे चल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसका पहले फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। ये जो CC है, ये CC को हम लोग बोलते हैं कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्बन कॉपी। ये हमारा हो गया कार्बन कॉपी। आप समझ ही रहे होंगे, जैसे बहुत बार हम लोग होता है, हम लोग कहीं एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, कहीं भी किसी भी ऑफिस में हम लोग जाते हैं, एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी एप्लीकेशन हम सबमिट करते हैं उसकी एक कॉपी, उसकी एक प्रतिलिपि हम लोग जेरोक्स करके उसमें रिसीविंग कहते हैं, रिसीविंग ले लेते हैं हम लोग, और इसका प्रूफ होता है कि यस, हमने आपको या किसी जिस ऑफिस में, कंसर्न्ड ऑफिस में की बात हो रही है, उस कंसर्न्ड ऑफिस में हमने ये चीज़ जमा किया हुआ है, हमने सबमिट किया हुआ है। कोई बोलेगा नहीं जमा किया, तो हम उसको दिखा देंगे कि देखिए, आपका साइन है ये, हमने इस ऑफिस में हमने यही कॉपी सबमिट किया हुआ है, चूँकि इसका प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है उसकी, कार्बन कॉपी मीन्स जो हमने रिसीविंग है वो हमारे पास मौजूद है। उसी तरह से जो चूँकि रिसीविंग एक प्रूफ होता है कि हमने कुछ सबमिट किया हुआ है, इसी तरह से जो कार्बन कॉपी है, बिल्कुल उसी तरह से एक रिसीविंग कॉपी की तरह क्या करता है, काम करता है। क्लियर बात आ गई? अगर आप कार्बन कॉपी देखिए, कार्बन कॉपी का यूज़ कैसे होता है, पहले हम लोग इसका फॉर्म जान लेते हैं। ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा कार्बन कॉपी, ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब इसका थोड़ा मतलब जान लेते हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी एक्स है, ये आदमी एक्स है, मैन है, ये मैनेजर है, क्या है ये मैनेजर है किसी भी सेटअप का, किसी भी कंपनी का, किसी भी, ये मैनेजर है, ओके। और इसके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ जो हैं, एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, ओके, 2, 3, एम्प्लॉय 4, इस तरह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ इसके अंदर वर्क करते हैं। इसके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो ये पूछो कि मैनेजर उसका देख रेख करता है, चलिए ठीक है। और इसके आगे होता है उसका बॉस, ये है इसका वाई, ये बॉस है, कौन है, बॉस। ये मैनेजर है, ये बॉस है, या डायरेक्टर मान लीजिए कि ये इसका डायरेक्टर, मतलब बॉस ही कह लीजिए, डायरेक्टर है या फिर बॉस है। और इसके अंदर में काम करने वाले ये सारे लोग, अगर ये मैनेजर साहब अगर इन लोगों को मेल भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मेल तो सबको चला गया, बल्क में चला गया, और इसका एक कार्बन कॉपी, ये CC, ये हमने बॉस को भेज देते हैं, तो इन लोगों को भी पता चल जाता है कि यस, हम लोगों को जो मेल भेजा गया है उसका एक कॉपी मीन्स उसका कार्बन कॉपी बॉस को भी भेजा गया है।
इन सबको पता चल जाएगा और इनको इनको तो पता होगा कि मुझे जो कार्बन कॉपी भेजा गया है, मतलब हर स्टेज पे अगर देखा जाए तो कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि सबको पता रहता है कि इसका जो एक कार्बन कॉपी है किसी और को भी, कि हायर अथॉरिटी को भी भेजा गया है या किसी और को भी भेजा गया है, ये सबको पता रहता है। क्योंकि मैनेजर साहब क्या करते हैं, अपने लोअर एम्प्लॉइज़ को लोअर हायरार्की में जब भी कोई मेल करते हैं और वो चाहते हैं कि इसका मेल अपने बॉस को भी हमें इन्फॉर्म कर दें, तो इसका कार्बन कॉपी सीसी में डाल के अपने बॉस को वो भेज देंगे। तो कहने का मतलब है कि हर स्टेज में ये पता चल जाएगा कि सबको पता रहेगा कि एक इसका जो भी ईमेल हमें भेजा गया है उसका एक कार्बन कॉपी हमारे बॉस के पास भी मौजूद है। तो चलिए, ये तो आपको कहानी पकड़ में आ गई होगी कि सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी, और किस स्टेज में सबको जिसको ये भेजा जाता है सबको ये पता होता है कि हायर अथॉरिटी को भी कोई मेल भेजा गया है, या इसको भी पता होता है कि किन किन लोगों को ये मेल भेजा गया है। अब रही बात सर दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी जब भी हम किसी को भेजते हैं दोस्तों, उसमें किसी भी स्टेज पर किसी को कुछ पता नहीं चलता। अगर हमने ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसको भेजा, तो इसका मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो डेटा है, सिर्फ इसी तक सीमित रह गया, किसी और तक ये डेटा नहीं जाएगा। वो टू द जिसको आप पर्टिकुलरली भेजना चाहते हैं आप उसी को मेल कर दीजिए, और फिर किसी को भी इसकी कानों कान तक खबर नहीं होगी। तो ये है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और ये है सिंपली कार्बन कॉपी। तो ये मामला आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, चलिए अच्छी तरह से आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ को पूछा था। तो चलिए आप एक बार करके देखिएगा, और कई लोगों को आप मेल करके भेजिएगा और मुझे भी उसका एक कार्बन कॉपी भेजिएगा, तो पता चल जाएगा भी किस तरह से होता है। और दूसरी बार एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी भेजिएगा, या किसी को भेजना हो तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेजिएगा। तो कहने का मतलब है कि वहाँ जो इन्फॉर्मेशन का डेसिमिनेशन है वो होगा नहीं। डेसिमिनेशन में प्रचार, प्रसार मीन्स हमको फिर पता नहीं होगा कि किसके पास कौन सा इन्फॉर्मेशन गया है। बट अगर कार्बन कॉपी आप हमें भेजिएगा तो हमको पता हो जाएगा कि आपने वो जो पर्टिकुलर वो जो डेटा है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, आपने कितने कितने लोगों को भेजा है, और वो इन्फॉर्मेशन सबको, उन लोगों को भी पता होगा और मुझे भी पता होगा। चलिए एक बार आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, तब जाकर सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चलिए इस तरह से आप बहुत जल्दी यही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बिकॉज़ हम लोग मैथमेटिक्स और इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देते हैं सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए, और कभी कभी जो किसी तरह का एजुकेशनल जो न्यूज़ होता है दोस्तों उसको भी हम लोग शेयर करते हैं। कोई चेंजेस होते हैं किसी भी सिस्टम में तो हम उसको भी देखते हैं। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हमारे सामने आता है, जैसे ये हमें लगा कि सीसी और बीसीसी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो रहे थे हमारे क्लास में भी कि सर ये क्या चीज़ है, सीसी और बीसीसी क्यों लिखा होता है, डबल सी और बी डबल सी। तो हमने कहा चलो इस पर थोड़ा सा मेहनत करके लोगों को ये पैगाम दिया जाए, ये मैसेज दिया जाए कि आखिर ये है क्या चीज़। तो मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया, मैंने मैसेज दे दिया, मैंने पैगाम दे दिया, आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। और ज़्यादा कोई और चीज़ अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आइए, कोई कमेंट छोड़िए, और कोई और चीज़ आपको जानना है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो नॉलेज डिसमिनेट कर सकूँ, मैं आपको नॉलेज दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।